बात सिर्फ ये करनी थी कि हमारे फेडरल मिनिस्टर्स को इतना नहीं पता कि WHO ने क्या कहा है। दारा अगर हम लोगों के पास कोई इस तरह का इख्तियार नहीं है कि अपने सिटीजन को इवैक्यूएट करें या उनकी कोई और हेल्प कर सके, तो इस तरह की बकवास कम अज कम मीडिया पे आके। आई विश आई होप पाकिस्तान गवर्नमेंट आल्सो विल हेल्प देयर सिटीजंस एंड देयर सिटीजंस इन वुहान। जैसे आपको पता है हमारी जो है गवर्नमेंट वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जो है ये सारा फेक है। तो काइंडली हम गुजारिश करते हैं हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है कि हम यहाँ से सेफ नहीं है, काइंडली हम इवैक्यूएट किया जाए। हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं। बेशरम पाकिस्तान ने किया अपने ही नागरिकों के साथ धोखा, छोड़ दिया उन्हें मरने के लिए मौत के मुंह में। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। भारत सहित विश्व के कई देशों ने कोरोना वायरस के केंद्र चीन के वुहान शहर में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और निकाल भी रहे हैं। चीन में महामारी का रूप ले चुके इस वायरस से अभी तक करीब 300 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 12,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। विश्व के अधिकतर देशों ने जहां अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है, वहीं पाकिस्तान सरकार ने अपने छात्रों को उन्हीं के हाल पर छोड़ने के लिए विवश कर दिया है। वुहान में इस समय सैकड़ों पाकिस्तानी छात्र फंसे हुए हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। पाकिस्तानी छात्र सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी सरकार से लगातार मिन्नतें कर रहे हैं कि उन्हें वापस बुलाया जाए और उन्हें वुहान से निकाल करके पाकिस्तान ले जाया जाए, लेकिन पाकिस्तानी सरकार इतनी बेशरम है कि उनकी इन रो रो के बिलखती आरजुओं को भी मानने से मना कर दिया है और उन्हें उसी शहर में उसी वायरस के केंद्र यानी कि वुहान शहर में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आगे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कितना कॉन्ट्रडिक्टरी और कितने बेशरम है पाकिस्तान की सरकार की किस तरीके से उन्होंने अपने छात्रों को ही लेने से मना कर दिया है। और इसका पूरा प्रूफ पूरा वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से डॉक्टर जफर मिर्जा जो कि इमरान खान के विशेष सहायक हैं, उन्होंने ये अपना स्पीच दिया है, स्टेटमेंट दिया है कि चाइना के साथ उनकी जो लार्जर इंटरेस्ट है अगर वो छात्रों को वापस लाते हैं तो खराब हो जाएगी, इस वजह से वो नहीं ला रहे। और दूसरा कारण ये भी है कि उनके पास यानी कि पाकिस्तान के पास कोई भी इससे लड़ने का इंतजाम मौजूद नहीं है, कोई दवाइयां ट्रीटमेंट उनके पास नहीं है, इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के छात्र चाइना में ही रहे और वहीं मरे या जिए वो तो अल्लाह की देन है। बेशर्मी का आलम यह है कि अब डॉक्टर जफर मिर्जा ने यह भी कह दिया कि ये वायरस चूंकि इंसान से इंसान के बीच में फैलता है तो जो इंसान इस वायरस से प्रभावित है यानी कि इस वायरस के चपेट में आ चुका है वो दूसरों को भी इससे संक्रमित कर सकता है और खासा इसी के डर से वो उन छात्रों को भी चाइना से वापस पाकिस्तान में नहीं ला रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट और ये पूरी की पूरी जो वीडियो है बहुत जबरदस्त इंसल्ट है, जबरदस्त इनका जो कि असली स्वरूप है चेहरा है होल्ड के रख देगा पाकिस्तान का। आइए देखते हैं दोस्तों, जस्ट मैं आपको जल्दी से ये वीडियो दिखाता हूँ, उससे पहले एक फाइनल अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत अपडेट्स आगे मिलने वाले हैं। आइए मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ एक एक करके वन टू वन। तो इस वक्त हमारा ये ख्याल है कि हमारे अपने प्यारों को जो कि चीन में है उनके हक में ये सबसे बेहतर है और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द रीजन आवर कंट्री वर्ल्ड कि हम उनको इस वक्त एवैक्यूएट ना करें। यही आलमी दारा सेहत भी कह रहा है, यही चीन की पॉलिसी भी है और यही हमारी पॉलिसी भी है। हम चीन के साथ फुल सॉलिडेरिटी में उनके साथ इसके ऊपर खड़े हुए हैं। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मैं आपसे करने लगा हूँ कि 7 जनवरी को जब ये पहला वायरस आइसोलेट हुआ तो उसमें उसके फौरन बाद उसकी डायग्नोस्टिक किट्स बनी तो ये चीन ने बनाई। चीन है ऐसा एक मुल्क है कि जहाँ पे इस बीमारी की सबसे बेहतरीन तशखीस हो सकती है। ये CNN की वेबसाइट से है जिसमें शो किया गया कि किन किन कंट्रीज ने अभी तक इवैक्यूएशन की है या वो अरेंजमेंट कर रहे हैं अपने सिटीजन को निकालने के लिए। ये देखें लिस्ट ऑफ कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, इंडिया, न्यूजीलैंड एंड जापान। सो दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ कंट्री, साउथ कोरिया, टर्की एट्सेट्रा, जिन्होंने अपने सिटीजन को वुहान से निकालने के लिए या तो निकाल लिया या इंतजाम कर रहे हैं।
इस वीडियो पैगाम का मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे वुहान से निकाला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे इतना यकीन है कि अगर अल्लाह ने हमें मौत देनी हो तो वुहान में भी आ सकती है और पाकिस्तान में भी आ सकती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बात सिर्फ ये करनी थी कि हमारे फेडरल मिनिस्टर्स को इतना नहीं पता कि WHO ने क्या कहा है इस प्रॉब्लम या इस इशू के बारे में, और उनके पास कोई फिगर्स ही नहीं है और ऐसे ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को और मीडिया को गुमराह कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। और दूसरी बात जो जिन्होंने कहा है कि जो लोग यहाँ पे अफेक्टेड हैं 4% स्टूडेंट वो बहुत ही वो बेहतर हैं, वो कितने बेहतर हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि कौन हमारे कोलीग्स हैं। तो खुदा रहा अगर आप लोगों के पास कोई इस तरह का इख्तियार नहीं है कि अपने सिटीजन को इवैक्यूएट करें या उनकी कोई और हेल्प कर सकें, तो इस तरह की बकवास कम अज़ कम मीडिया पे आके। Now we are in the airport and we are waiting for the evacuation and not just Turkish people and some other nationalities also is waiting for evacuation and our plane is on the way, but some planes I think already arrived and then other nationalities I think they are from India. Yeah, India. Even India is has been evacuated. You see, this is Indian people's line. This is Indian, right? Right. Yeah. Indian people. Okay. How many Indian people here? Here. 300. And today you are evacuated. There are two flights. Two flights. The first flight. Okay. Okay, thank you. And you see, even Indian government are helping. So I call Pakistan government also help our friends because we really love our Pakistan friends. So I wish, I hope Pakistan government also will help their students and their citizens in Wuhan. Allah bless everybody. Thank you. Assalamu alaikum. मैं इस वक्त वुहान में खड़ा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से काफ़ी कंट्रीज एवैक्यूएशन कर चुके हैं, USA वाले, जापान वाले, और हमारे जो कंट्रीज़ है, जो जफर मिर्ज़ा वो जो है, वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि ये सारा फेक है, कोई भी यहाँ से एवैक्यूएशन नहीं कर सकता है। आप देख सकते हैं आज जो है 31st January है, फ्राइडे का दिन है, और ये आज जा रहे हैं जॉर्डन वाले भी। सो ब्रदर, यू आर गोइंग टुडे टू योर कंट्री, Brother, can you repeat your country's name? Jordan. Jordan. Yeah. So you will go from Wuhan? Yeah. So you are, 1 hour bus, yeah. Okay. So your government arranged all the things for you? Yes, sure. Okay. So you are very lucky one. Congratulations, you are going back to your country. जैसे आपको पता है, thank you. जैसे आपको पता है, हमारी जो है government वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जो है ये सारा fake है। तो काइंडली हम गुजारिश करते हैं हमारी जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट है कि हम यहाँ पे सेफ नहीं है, काइंडली हम एवैक्यूएट किया जाए। हम आपको बहुत शुक्रिया। These are all the people living for the Bangladesh now, for the airport now. How are you feeling, all guys? Okay. Everybody. Ajit bhai, thank you a lot. Do you have any message for our government? Yeah. I hope Pakistani government should take necessary step as soon as possible, and they should These are the government, the Bangladeshi people living for their home now, for their airport now, and they will be soon in the home. I request government of Pakistan to take some serious issue and do not tell lies to the people that nobody is evacuating anyone. You can see all with your own eyes. Thank you so much.